मित्रों, जो बाइडेन जब भारत की धरती पर उतरे तो उस वक्त कुछ बहुत ही अजीब सी तस्वीरें देखने को मिली। एक अमेरिका के राष्ट्रपति को, जो सुपर पावर देश है, उस देश के राष्ट्रपति को बहुत ज़्यादा सजग, चौकन्ना, अलर्ट, बहुत फिट दिखना चाहिए। लेकिन अगर हम देखें तो जो बाइडेन की तस्वीरें जो आई हैं, उससे एक बात बिल्कुल साफ नज़र आती है कि जो बाइडेन बिल्कुल भी फिट नहीं है। अगर आप देखें तो किस तरह से अभी वो लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस बीच में कुछ बेहद अजीब सी हरकतें की, जैसे एकदम अब्सेंट माइंड दिख रहे थे वो। मैं आपको अभी आगे तस्वीरें दिखाऊंगा। अभी ये जनरल वीके सिंह से इनकी मुलाकात हो रही है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने बाइडेन को रिसीव करने के लिए भारत के एक जनरल को भेजा है, जो भारत का बड़ा जनरल था, और ये उनकी पत्नी है वीके सिंह जी की, उनसे इन्होंने मुलाकात की। और एक छोटी बच्ची भी आई हुई है साथ में, और ये अमेरिका के जो वहाँ पे राजदूत हैं भारत के अंदर, ये उनकी बेटी है। अभी आप तस्वीरें भी देखेंगे, लेकिन जो एक्चुअल तस्वीरें हैं जिसकी मैंने चर्चा की है, मैं आपको भी आगे दिखाऊंगा। तो ये वो बच्ची है जो बहुत ही जैसा लगता है कि पहले से ही पहचानते हैं, और ये राजदूत की बेटी है, यूनाइटेड स्टेट्स के राजदूत जो हैं भारत के अंदर, उनकी बेटी है। और मुझे लगता है काफ़ी आत्मीय संबंध है, क्योंकि इस पहले से जानते हैं और जिस तरह से मिल रहे हैं, और वो बता भी रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा आपका स्वागत करने के लिए बहुत बेचैन थी, ये समझा रहे हैं, अभी बातचीत कर रहे हैं। लेकिन अगर देखें तो एक जो तसल्ली रहती है चेहरे पे कि भाई ठीक है, मतलब जैसा एक फीलिंग आती है ना कि हाँ यार, आप अमेरिका के राष्ट्रपति हो और आपको अपने सभी कामों में किस तरह के अलर्टनेस दिखानी चाहिए, उस तरह की अलर्टनेस। अब देखिए, आप यहाँ पर भी देखिए कितने वो बुज़ुर्ग हो चुके हैं कि 80 साल की इनकी उम्र है, और जो अमेरिका के राजदूत हैं वो उनको दिखा रहे हैं कि देखिए साहब, वहाँ पे कुछ कल्चरल प्रोग्राम हो रहे हैं, आपको वहाँ चलना है। तो अब उनको वीके सिंह लेके जा रहे हैं, और जब उनको वीके सिंह लेके जाते हैं तो अब देखिए, अब वीके सिंह, अभी आप भाव भाव देखिए इनके, मतलब एकदम खो से गए हैं। मतलब कहीं जैसे आप देखो, 80 साल जो उनकी उम्र है, उसका असर इनके ऊपर किस तरह से नज़र आ रहा है, इनकी पूरी फिटनेस देखिए। अब देखिए, आप यहाँ पे आप बहुत महत्वपूर्ण बात है, आप देखिए वीके सिंह इनसे कहते हैं कि चलो, अब आप ये विजुअल जरा दोबारा मैं दिखा रहा हूँ आपको, कि जनरल वीके सिंह इनको बोलते हैं कि अब हो गया, चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे, आप अभी आप देखिएगा, अभी वीके सिंह कुछ बात कर रहे हैं, फिर वीके सिंह इशारा भी करते हैं अभी चलने के लिए। ये वीके सिंह ने कहा चलने के लिए कि चलें चलें, लेकिन वो चले ही नहीं वहां से, और वो डांस ही देखते रहे। लेकिन वो प्रोटोकॉल जो पूरा था, उसको उन्होंने पूरा वहां पे डांस देखा, इसके बाद फिर जाने लगे वो। और अभी जब ये जा रहे हैं तो इसके बाद भी, अब देखिए ये पीठ पे हाथ रखा, ये जो सिक्योरिटी सर्विस के लोग हैं या जो राजदूत हैं, उन्होंने उनकी पीठ पे हाथ रखा और कहा कि भाई चलो अब। तो अब देखिए वो धीरे धीरे जा रहे हैं एकदम। तो मतलब वाकई में बहुत ही इनकी जो स्थिति है, बहुत वृद्ध हो चुके हैं, और सारा काम काज जो कुछ भी है अब सब कमला हैरिस संभालती है, जो भारतीय मूल की हैं। हालांकि वो ईसाई हैं, हिंदू नहीं है वो, उन्होंने उनके पूर्वजों ने हिंदू धर्म का त्याग कर दिया था पहले ही, लेकिन भारतीय मूल की तो है ही, नाम भी उनका कमला है, तो सब कुछ वही देखती हैं। तो कारों का काफिला आप देख रहे हैं, वो तो अलग की बात है, पर जो मुख्य तस्वीर में आपको दिखाना चाह रहा था कि उनको अब वो इतने बुज़ुर्ग हो चुके हैं बाइडेन की, और उनको हर चीज़ के लिए कोई चाहिए जो बताए कि हाँ भाई कहाँ जाना है, कहाँ आना है। अब देखिए आप, अभी आप फिर दोबारा देखिएगा, एक बार तो वीके सिंह ने कहा था कि आप जाओ तो गए नहीं, अब दोबारा यहाँ हाथ रखा है इनके ऊपर। अब 80 साल की उम्र, इनको कहा कि भाई चलो यार अब हो गया, अरे तुम यहीं खड़े रहो क्या। तो इस तरह से जो है स्थिति है। तो बेसिकली मेन बात यह है कि इतनी ज़्यादा उम्र के बाद में ना शासन पद को संभाल पाना बड़ा मुश्किल होता है, और इतनी दूर से आए, वो लगभग 12,000 किलोमीटर की दूरी तय करके वो मित्रों आए, तो ये भी अपने आप में मैं समझता हूँ कि बड़ा विषय था। और मित्रों, अगर देखा जाए तो G20 में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई दो देशों की बैठक होने जा रही है, तो वो दो देश जो है वो अगर आप देखें तो भारत और अमेरिका ही हैं। और अगर देखा जाए तो दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति और सबसे ताकतवर प्रेसिडेंट जो बाइडेन जो है, वो राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार जो है भारत में आए हैं, और बाइडेन के पहला कदम रखने के साथ ही जो है भारत ने बाइडेन के स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ी, पूरे पलक पावड़े बिछा दिए,
और भारतीय संस्कृति की जो सुंदर छटाएं हैं, जो सुंदर लोक संगीत है, उसकी छाओं के बीच में, उसकी धुनों के बीच में बाइडेन का एक तरह से भव्य स्वागत किया गया। और उनकी जो कार है द बीस्ट, जो कि सबसे ज़्यादा ताकतवर पावरफुल कार मानी जाती है, वो कार में वो बैठे। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें एक और महत्वपूर्ण बात भी मैं कहूँगा कि ऋषि सुनक भी जो है अपनी पत्नी के साथ भारत की धरती पर प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार जो है उन्होंने भारत पहुँचे, और ये भी उनका एक तरह से पहला भारत दौरा था। और ये जो तस्वीरें आईं आपकी, देखिए तो ये तस्वीरें भी एक तरह से देखा जाए तो दुनिया में जो भारतवंशियों का दबदबा है उसको दिखाने वाली तस्वीरें हैं, उससे ये भारत का जो दबदबा है वो एक नज़र आता है। और अगर मैं भारत और अमेरिका के संबंधों की एक तरह से बात करूं तो आप ये समझ लीजिए कि इस समय भारत और अमेरिका के बीच में जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो अब धीरे धीरे और आगे बढ़ रही है, और भारत जो है वो दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, और अमेरिका की जो इंडस्ट्री है उसका प्रोडक्शन अगर बढ़ाना चाहता है अमेरिका तो उसमें भारत जैसे एक बहुत बड़े बाज़ार की बहुत ही उसको सख्त ज़रूरत है। और प्रधानमंत्री मोदी भी जानते हैं कि बाइडेन को क्या चाहिए, और इसीलिए वो भी अब इसी हिसाब से अपने भारत की जो राष्ट्रीय हित है उस पर वो एक तरह से अपनी बात कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो भारत को तकनीकी के मामले में भारत से काफ़ी बड़ा सहयोग मिल सकता है, खासकर अगर हथियार की जो इंडस्ट्री है, जो वेपन इंडस्ट्री है उसकी अगर हम बात करें तो भारत के अंदर बहुत ही एक बड़ा और प्रभावशाली बनाने के लिए उसको एक बड़ा एजेंडा मोदी गवर्नमेंट चला सकती है। जैसे अगर देखें तो लड़ाकू विमानों के जो जेट इंजन लगते हैं उसके लिए भारत आज भी विदेशों पर निर्भर है। जैसे तेजस जो हमारा लड़ाकू विमान है स्वदेशी, उसमें जो है अभी भी जो इंजन लगा हुआ है वो अमेरिका की कंपनी का लगा हुआ है जो कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स है। और अब अमेरिका और भारत जो है एक दूसरे के साथ में जो समझौता कर रहे हैं उसमें ये है कि अमेरिका भारत को जेट इंजन की टेक्नोलॉजी भी देगा। यानी अगर देखा जाए तो ये जो पूरी डिफेंस डील है, इस सारी डिफेंस डील को मोदी और ट्रंप और ज़्यादा मजबूत करने पर अब जोर देने वाले हैं। मैंने आपसे कई बार ये बात कही है मित्रों कि दुनिया में उस देश की शान और आन बान शान अलग ही होती है जो हथियारों को बेचता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत जो है, भारत भी हथियारों को एक बेचने वाला देश बन चुका है। आप समझ लीजिए कि जब से मोदी गवर्नमेंट आई है भारत जो है लगभग 75 देशों में अपने जो रक्षा के हथियार है वो बेच रहा है, और 5 सालों में देश का जो पूरा रक्षा का जो एक्सपोर्ट है वो 6 गुना तक बढ़ चुका है, आप समझिए। और भारत जो है वो पूरी दुनिया को लगभग 1.5 अरब डॉलर के हथियार जो है वो सप्लाई कर रहा है। आप सोचिए कि ऑस्ट्रेलिया की नौसेना के साथ जो है ड्रोन को लेकर बातचीत चल रही है, यानी कि भारत की कंपनी जो है वो ऑस्ट्रेलिया की नौसेना को ड्रोन दे रही है। अर्जेंटीना, मैंने कई बार आपसे पहले भी कहा है कि अर्जेंटीना जो है वो भारत से तेजस विमान खरीदने के लिए बातचीत कर रहा है। इसके अलावा मिसाइल बनाने के लिए जो मिसाइल के आगे नोक होती है उसके लिए, उसको सिरेमिक रेडोम बोलते हैं, तो उसकी भी वो भी भारत में बन रहा है, पहले भारत में नहीं बन रहा था। यानी कि देखा जाए तो अभी भी भारत को अगर बड़ी जंप लगानी है रक्षा के क्षेत्र में तो उसको अमेरिका की मदद चाहिए। अच्छा, दूसरा ये भी है कि यूक्रेन में जिस तरह का युद्ध लड़ा जा रहा है और जो एक परंपरागत युद्ध हमने देखा है वो पूरा युद्ध बदल गया है, उस तरह का युद्ध अब रहा नहीं और अब ड्रोन से ज़्यादा युद्ध पर जोर दिया जा रहा है। तो इसीलिए अब कुछ और भी समझौते हो रहे हैं, और जो मॉडर्न वॉरफेयर है उसमें अब जो अमेरिका के हंटर किलर ड्रोन है वो सारे ड्रोन भी जो है उस तरह के ड्रोन्स खरीदने के लिए भारत और यूएस के बीच में अभी बातचीत चल रही है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर अमेरिका भारत से क्या चाहता है, क्योंकि अगर देखें तो अमेरिका और भारत के बीच में जो व्यापार चल रहा है उसमें भारत का जो ट्रेड है वो सरप्लस में है, यानी भारत ज़्यादा सामान बेचता है अमेरिका को, तो अमेरिका जो है भारत के साथ व्यापार में घाटे में चल रहा है, तो वो ये चाहता है कि उसका घाटा थोड़ा दूर हो, तो इस सूरत में वो कुछ ऐसे समझौते कर सकता है जिससे फ़ायदा हो। अच्छा, ऋषि सुनक की अगर हम मित्रों बात करें तो भारत के लिए बड़ी गर्व करने वाली बात है, क्योंकि ऋषि सुनक जो है वो इन्फोसिस के जो सह संस्थापक हैं नारायण मूर्ति, उनके दामाद हैं। और ऋषि सुनक, जैसा कि आपको याद होगा मित्रों, की जब मुरारी बापू की राम कथा जब हो रही थी
तो राम कथा में उन्होंने खुल करके ये बात स्वीकारी थी कि वो जो है बहुत ही हिंदू धर्म का पालन करते हैं और भगवान कृष्ण को और भगवान राम से सीखते हैं कि चुनौतियों का सामना कैसे करना है। तो भारत के लिए बहुत ही फक्र के लिए बहुत ही गर्व की बात थी। और इसके अलावा मित्रों, अगर हम देखें तो भारत वंशियों का जो प्रभाव है वो लगातार बहुत बढ़ता जा रहा है। अगर हम देखें तो विवेक रामास्वामी की बात करें, जो अमेरिका में रिपब्लिकन के कैंडिडेट हैं, तो वो भी देखिए ट्रंप को चुनौती दे रहे हैं वहाँ अमेरिका के अंदर। तो बहुत बड़ी एक भारत वंशियों की ताकत जो है बहुत बड़ी उभर के सामने आ रही है। राजा भरत के वंशज हैं, वाह वाह क्या बात है। तो आप समझ लीजिए कि इस समय स्थिति ये है मित्रों की 25 देशों में भारतीय मूल के लगभग 313 राजनेताओं में कोई ना कोई पद जो है वो संभाला हुआ है भारत के लोगों ने। और कनाडा में तो ऐसे 19 नेता हैं जो भारतीय मूल के हैं, 8 जो है वो सरकार में शामिल हैं। और ऋषि सुनक के लिए चुनौती ये है कि वो ऐसे वक्त में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं कि जब ब्रिटेन बहुत मुश्किल के, बहुत ही आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है, और इसका पूरा जिम्मा सुनक को सौंपा गया है कि आपको निकालना है इससे। तो ब्रिटेन और भारत के बीच जो है देखा जाए तो फ्री ट्रेड पर बातचीत चल रही है, मुक्त व्यापार समझौता बातचीत चल रही है, जल्दी उसको कुछ उस पर परिणाम निकल सकता है। और ऋषि सुनक भारत के लिए एक बहुत गर्व का विषय जरूर है, लेकिन ब्रिटेन के अंदर अगर देखा जाए तो उनकी जो कामयाबी है वो तभी मानी जाएगी जब वो कुछ ब्रिटेन की कुछ मदद कर पाएंगे, और इसके लिए उन्हें भारत से बहुत, मोदी से बहुत उम्मीदें हैं। तो मित्रों कैसा लगा वीडियो आपको, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव। धन्यवाद है।